मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल से 31 मई तक मंगल करेंगे बड़ा खेल। किस राशि का भाग्य उदय होने वाला है उसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में तीन राशि वालों को कवर करूंगा, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। इन तीन राशियों में कौन सी महाभाग्यशाली राशि होगी जिनका भाग्योदय मंगल देव की कृपा से होने वाला है और क्या आपको उपाय करने चाहिए, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह मंगल का गोचर फल या आप कह सकते हो राशि परिवर्तन आप अपने लग्न कुंडली पर भी लगा करके देख सकते हो और चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हो। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो नाम के अनुसार फलादेश समझें। सबसे पहले राशियों के क्रम में जानकारी देंगे मेष राशि वालों के विषय में। तो यदि आपकी मेष राशि है तो आपके कुंडली में लग्नेश होते हैं मंगल देवता, और मंगल देवता का जो गोचर है वो 12वें भाव में होने जा रहा है। वहां पर उच्च के शुक्र बैठे हैं, राहु पहले से विराजमान है और साथ ही साथ कुछ समय के लिए बुध का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर मंगल के साथ बना हुआ है। अर्थात 12वें भाव में चार ग्रह हैं, राहु, शुक्र, मंगल और बुध। लग्नेश का 12वें भाव में जाना यात्राओं के सुखद योग बनाता है, खास करके यदि लग्नेश मित्र की राशि में बैठा हो तो। आपकी कुंडली में मीन राशि में गोचर करेंगे और गुरु मीन राशि के स्वामी होकर के अभी लग्न में ही विराजमान रहेंगे। तो इसका मतलब ये रहा, जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुंदर समय 23 अप्रैल से लगा करके 31 मई तक का बनने वाला है। आप देश विदेश जा सकते हो, आपका धन इस समय खर्च अधिक होगा, इस चीज के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं तो यहां पर बैठ करके मंगल शत्रुहंता योग बनाएगा, आपके दुश्मनों को कुचल देगा, मुकदमों से, कोर्ट कचहरी से, वाद विवाद से आपको राहत मंगल यहाँ पर दिला देगा। अगली चीज ये ध्यान रखिएगा, इस समय आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, क्रोध की बहुत ज्यादा अधिकता रहेगी। उसका कारण है राहु के साथ इनका कॉम्बिनेशन होगा, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का यह अंगारक दोष भी बन जाता है, जिससे आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर मंगल आपका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि पराक्रम के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो एनर्जी लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है चिड़चिड़ाहट के चलते आप अपने छोटे भाई बंधुओं से मतभेद कर बैठे, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि छोटे भाई बहन और आपके जो नौकर चाकर हैं वो निश्चित तौर पर इस समय आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, आगे बढ़ने में वो आपकी मदद करेंगे। ननिहाल पक्ष से आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, आपको लाभ की प्राप्ति होते हुए भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, वो ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जब मंगल बैठेंगे तो भैया मांगलिक दोष बना करके बैठेंगे और अष्टम दृष्टि से सातवें भाव को मारेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए तो शुक्र आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, शुक्र जो है ये मान के चलो 2-3 दिन मंगल के साथ रहेंगे, उसके बाद शुक्र मंगल के घर में हो जाएंगे, यानी कि आपके लग्न पे विराजमान हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा तो दिक्कत आपको नहीं होगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन थोड़ी बहुत 2-3 दिन तक शुरुआत में, यानी कि 23, 24, 25 तीन दिन वैवाहिक जीवन में आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा टकराव की स्थिति इन 3 दिनों बनेगी। बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं, विशेष दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि शुक्र आपके लग्न पे विराजमान हो जाएंगे, तो मंगल के दुष्प्रभाव से शुक्र बचाने का काम आपको करने लगेगा। ओवरऑल यात्राओं के लिए, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। सो है, आर्थिक लाभ इस गोचर से आपको नहीं मिलने वाला है। आर्थिक लाभ के लिए आपको लगभग अप्रैल के महीने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा,
ऐसा ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन बचने में थोड़ा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यानी आमदनी होती रहेगी, लेकिन आप पैसा बचा ले जाओ, ऐसे योग नहीं दिखाई पड़ते। उपाय के स्वरूप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब जानकारी देंगे अगली राशि की, जो कि है वृषभ राशि। आपके लिए बड़ा सुंदर समय शुरू होने वाला है। आपके ऊपर ग्रहों की चाल बहुत ज्यादा मेहरबान होने वाली है, जिसके फल स्वरूप आप कह सकते हो कि आपका भैया भाग्योदय होने वाला है। आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से दैवी कृपा बनने वाली है, क्योंकि 23 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली में 11वें भाव में अपने परम मित्र के घर में विराजमान होने जा रहे हैं। मंगल की उच्च राशि पड़ती है आपके भाग्य भाव में और भाग्य स्वयं बैठे हैं केंद्र भाव में। इसका मतलब ये रहा, अगर वृषभ राशि या वृषभ लग्न आपकी है तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाला है। इस समय यात्राएं आपकी होंगी, हो सकता है थोड़ा बहुत दौड़ धूप आपको करनी पड़े। मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपके एकादश भाव में, और यहाँ पर बैठ करके मंगल भी बड़ा जबरदस्त फल देते हैं और राहु भी बहुत अच्छा फल देते हैं, भले ही वो अपने दुश्मन की ही राशि में क्यों ना हो। यात्राओं से लाभ मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलना, विद्यार्थियों के कैरियर में जबरदस्त तरीके से ऊंचाइयां मिलना, इसके अलावा पढ़ाई के सिलसिले में हो सकता है विद्यार्थी वर्ग इस समय यात्राएं करें, बाहर कहीं एडमिशन वगैरह ले लें, ऐसे योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठ करके मंगल देवता और बुध देवता की कृपा से आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा आपकी मजबूत होने वाली है। यानी कि इस अवधि में चाहे छोटा काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, पैसे की भरमार लगने वाली है। धन भारी मात्रा में इस अवधि में वृषभ राशि वालों को लगभग 40-45 दिन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर बैठ करके शत्रुहंता योग बन रहा है, जिसके फल स्वरूप कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में जो व्यक्ति फंसे हैं, अगर उनकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है, तो उनको इन समस्याओं से छुटकारा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। यानी कि आप विजयी होंगे और शत्रु आपके परास्त होते हुए इस अवधि में दिखाई पड़े। एक चीज जरूर यहाँ पर गड़बड़ आपके कुंडली में दिखाई पड़ रही है, मंगल जैसे ही यहाँ पर बैठेंगे, राहु पहले से विराजमान है, तो इस समय जो प्रेमी जोड़े हैं उनके प्रेम में खटास आते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी प्रेम में हो सकता है मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आपको एक सावधानी यह भी रखनी चाहिए कि इस अवधि में आपको सात्विक खाना खाना चाहिए, क्योंकि पेट संबंधी समस्या मंगल और राहु का यह कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है। बाकी काम कारोबार व्यापार और धन के लिए बड़ा सुंदर समय रहेगा। उपाय के स्वरूप ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 51 बार आप जप कर लीजिएगा, अगर कुंडली है तो, अगर कुंडली नहीं है तो भी इस मंत्र का जप करना आपके लिए हितकारी रहेगा। सभी काम आपके पूरे करने वाला यह मंत्र रहेगा। इसके बाद राशियों के क्रम में बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के कुंडली में मंगल देवता दशम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं राहु के साथ और आपके लग्नेश बुध के साथ। यहाँ पर जब दशम में मंगल बैठता है तो यहाँ पर उसको दिशा बल प्राप्त हो जाता है, और दिशा बल जब इनको मिलेगा तो जाहिर सी बात है कुछ मामलों में बड़ा प्रॉफिटेबल रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में गड़बड़ भी होगा। गड़बड़ ये होगा कि बुध नीच के हैं, तो जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके लिए विशेष सावधानी वाला यह समय रहने वाला है। बॉस उच्च अधिकारियों से अनावश्यक आप वैचारिक मतभेद न होने दें। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो
तो आपको चाहिए कि इस पीरियड में आप अपने बॉस और उच्च अधिकारी से बना करके रखें तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा वैचारिक मतभेद के चलते आप दिक्कत में पड़ सकते हो। लेकिन अगर प्लेनेटरी पोजीशन साथ न दे रही हो तो उस समय हमें चाहिए कि उस समय को अवॉइड करें, थोड़ा झुकाव अपने अंदर लाएं ताकि दिक्कत उत्पन्न ना हो। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, व्यापार आपका शानदार तरीके से चलता रहेगा और उसमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहां पर मंगल का सीधा प्रभाव आपके लग्न पे भी पड़ने जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस समय क्रोध की बहुत ज्यादा अधिकता सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के अंदर देखी जा सकेगी। तो क्रोध से आपको बचना है, जो कुछ भी करना है साउंड माइंड होकर के करना है, यानी कि अपने मन मस्तिष्क पर काबू रखिएगा। इस पीरियड में बुध राहु मंगल एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं, तो कुछ मामलों में आपको फायदा भी मिलेगा। जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह पे निवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो सुखद समय रहेगा, आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको भी एक सावधानी रखनी चाहिए, खाना विशेष तौर पे सात्विक आप ग्रहण करें तो आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा पेट जन्य समस्या कहीं ना कहीं आते हुए आपको थोड़ी बहुत दिखाई पड़ सकती है। और इस अवधि में अपने माता श्री का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। आपके लिए गोचर सो है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। बात कर लें अगर आर्थिक स्थिति की तो आपके कुंडली में अभी एकादश भाव में गुरु चल रहे हैं और उनकी मेहरबानी आपके ऊपर बनी हुई है, जिसके फल स्वरूप धन आपके पास आता रहेगा। भाग्येश भाग्य भाव में मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, तो दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपके अंदर चिड़चिड़ाहट ज्यादा ना हो, बेचैनी ना हो, क्रोध की अधिकता ना हो, इन सभी चीजों से बचने के लिए ओम गंगणपतये नमः या ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए रामबाण उपाय रहेगा। उपाय करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं, नमस्कार।